हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा है कि कल कैसे लखन ने पाई को गुस्से में आकर जवाब दिया, उसी बीच रिकी ने आकर कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने की कोशिश की। उस लखन और पाई से ये कहा कि मेरे वर्ड्स के आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, बट स्टिल मैं आपकी इस चीज़ों को सॉर्ट कराने की बहुत कोशिश किया हूँ। उसने ये भी कहा कि ये लड़ाई आप दोनों के बीच में है, इसको आप सॉल्व खुद ही करें, भम्मों को इससे बाहर निकाल के रखें, क्योंकि लोग भम्मों को बेवजह टारगेट कर रहे हैं। साथ ही उसने अपनी भाभी सैंडी के लिए भी लिखा कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है फालतू में। रिकी ने लिखा कि एक दूसरे पर कीचड़ उड़ाना बंद करो, दोनों एक दूसरे को बहुत गाली दी है, दोनों ने एक दूसरे के लॉर्ड वंस के कैरेक्टर पर भी बोला है। अगर मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ दोनों क्यों गलत हो और कौन ज़्यादा गलत है, बट मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डालना बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं। साथ ही रिकी ने यह भी लिखा कि मैंने दोनों साइड्स को सुना है, जो भी तुमने ऑडियंस को बताया है, तो आप दोनों मुझे मत समझा कौन गलत है, बस इसको सॉल्व कर लो, मुझे पता है आप दोनों मेरा कमेंट। साथ ही रिकी ने यह भी लिखा, मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर्सनली बहुत बार समझाया, बट यहाँ अगर आप सब लोग भी समझाओ तो समझ जाएंगे, क्योंकि आजकल घर वालों से ज़्यादा ऑडियंस की सुनी जाती। साथ ही किसी ने कॉमेंट करते हुए लिखा कि प्लीज़ सब कुछ सॉर्ट करा दो रिकी, हमें ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े वाला। जिसका रिप्लाई करते हुए रिकी ने लिखा कि अगर आप ये सारी चीज़ें लखनी ब्लॉग में करोगे तो शायद सॉल्व हो जाए। तो गाइज, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बाय।